पिछले कुछ समय से गैर हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भौकाल काट रही हैं, फिर चाहे वो पुष्पा हो, एसएस राजामौली की आरआरआर या फिर केजीएफ चैप्टर 2। ऐसे में इंतजार था हिंदी मेनस्ट्रीम सिनेमा से कि कब तेरा खून खोलेगा रे फैजल। जब रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार की रिलीज डेट अनाउंस हुई, तब लगा कि लार्जर देन लाइफ हीरोज के बीच एक ग्राउंडेड हीरो एंट्री करने वाला है जो लाउड होने की कोशिश नहीं करता। इस हीरो और उसकी कहानी कैसी है, जयेश भाई जोरदार के रिव्यू में अब उसी पर बात करेंगे। कहानी सेट है गुजरात के एक गाँव में। रणवीर का किरदार जयेश वहीं रहता है। जयेश के पिता गांव के सरपंच हैं। सदियों से अपने पूर्वजों से जो परंपरा प्रतिष्ठा के नाम पर सुना सीखा बस उसी को दोहरा रहे हैं। चाहते हैं कि उनके घर एक पोता पैदा हो ताकि वंश आगे बढ़ सके। जयेश उनसे बिल्कुल अलग है लेकिन पिता के सामने कुछ नहीं कर सकता। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, घर वाले चाहते हैं कि सिर्फ बेटा ही हो, बेटी हुई तो भ्रूण हत्या कर दी जाएगी। ऐसे हालात में जयेश को पता चलता है कि उसकी वाइफ एक बेटी के साथ प्रेग्नेंट है। वो चाहता है कि उसकी बेटी इस दुनिया में आए, जन्म ले। वो अपने घर वालों और समाज से कैसे लड़ेगा, यही फिल्म का मेन प्लॉट है। हम बचपन से जैसे भी होते हैं उसमें दो फैक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। पहला तो हमारी परवरिश, हमारे बड़े जो सीखते आए हैं वही हमें सिखाते हैं, हमारी मानसिकता का कुछ हिस्सा उसी सीख की देन होता है। दूसरा फैक्टर होता है हमारी सोसाइटल कंडीशनिंग। घर से बाहर जाकर हम क्या सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, हमारा समाज हम पर क्या पूर्वाग्रह थोपता है, ये उस कंडीशनिंग का पार्ट होता है। मतलब आज हम जैसा सोचते हैं उसमें इन दोनों बातों का मेजर इम्पैक्ट रहता है। जयेश पर समाज और परिवार ने एक ही बात थोपी है कि औरतें आदमियों से कमतर हैं, उन्हें फला फला तरीके से ट्रीट करना चाहिए। कहानी में दो जयेश हैं, एक जो उस तरीके से पेश आता है जिसकी उम्मीद उसके घर वाले उससे करते हैं, समाज करता है, जिस व्यवहार पर उसकी मर्दानगी निर्भर करती है। फिर आता है वो जयेश जिसे उसकी बेटी और पत्नी के अलावा कोई नहीं जानता, जो अपनी मस्कुलिनिटी को लेकर इनसिक्योर नहीं, अपने पिता और अपनी सोच के फर्क को भली भांति पहचानता है, अपने माँ या पिता को दोष नहीं देता बल्कि उस मानसिकता को गलत मानता है जिसने उसके घर वालों और अनेकों घर वालों को ऐसा बनाया है। जयेश इतना मैच्योर कैसे है वो हमें ठीक से कभी पता नहीं चल पाता। बाकी इस कहानी को देखकर काफ़ी लोगों को शिकायत हो सकती है कि यहाँ मतलब नया क्या है, फिर से महिलाओं से जुड़ा कोई सोशल मैसेज और फिर से एक पुरुष जो उनका तारणहार बनने की कोशिश कर रहा है। बस इसी पार्ट पर आपका सोचना थोड़ा गलत हो सकता है। जयेश किसी भी पॉइंट पर टिपिकल हीरो की तरह पेश नहीं आता कि वैसे तो सीधा साधा हो पर परिवार पर मुसीबत आते ही एक्शन मोड में आ जाए, ये वैसी कहानी नहीं है। जयेश बस एक नॉर्मल इंसान है जो एक सिचुएशन में फंस गया है और किसी भी तरह अपनी फैमिली को उससे बाहर निकालना चाहता है। उसके पास हर सवाल का जवाब नहीं, ना ही उसकी प्लानिंग अभेद है। वो अपने साथ कोई स्वैग कैरी नहीं करता, अपने परिवार को बचाने की कोशिश भले ही करता है लेकिन तारणहार नहीं बनता। जयेश की हर कदम पर मदद करने वाली, उसे प्रेरणा देने वाली भी उसकी लाइफ की महिलाएं ही हैं, फिर चाहे वो उसकी छोटी बेटी हो या फिर उसकी बहन। सोशल मैसेज वाली फिल्मों में एक और चीज़ बड़ी कॉमन रहती है कि यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर की आर्ट में मैसेज दिया जाता है। जयेश भाई जोरदार भी उस लिहाज से मतलब कुछ अलग नहीं है। फर्स्ट हाफ में लगभग हर दूसरे सीन से ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, कभी वो लैंड करता है तो कभी नहीं। सेकेंड हाफ अपने साथ इमोशनल सीन्स लेकर आता है। उन सभी में से यादगार है एक सीन जहाँ जयेश महिलाओं के झुंड के बीच है और बस रो रहा है। इस सीन के पीछे की कहानी आप फिल्म देखकर जानिए। बाकी रणवीर की अदाकारी पर बात करना कोई स्पॉइलर नहीं होगा। रणवीर सिंह की एक इमेज है मेन स्ट्रीम सिनेमा में, हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में, कि उन्हें गिरगिट कहा जाता है। हर फिल्म में वो अलग लगते हैं। जयेश भाई जोरदार में भी उनको देखकर यही लगेगा, जयेश का भोलापन, उसकी विडंबनाएं। रणवीर अपने किरदार के हर पार्ट को समझकर उसे आत्मसात करते दिखते हैं। जयेश को अपने एलिमेंट में देखकर खुशी सी होती है, उसे रोता देखकर बुरा फील होता है। ऐसा काम किया है रणवीर ने। रत्ना पाठक शाह ने उनकी माँ का रोल किया है, ऐसी औरत जिन्होंने पेट्रियार्की को अपनी लाइफ के फैसले लेने दिए और अब उससे बाहर नहीं आना चाहती। बमन ईरानी गाँव के सरपंच यानी जयेश के पिता बने हैं। उनका किरदार उस घोड़े की तरह है जिसकी आंखों के बगल में ब्लाइंड्स लगे हैं और उससे उनके अलावा कुछ नहीं दिखता। जो करते हैं अपनी हट के चलते करते हैं, आंखें बंद कर अपनी जिद पूरी करने में लगे रहते हैं। उसी जिद के चलते बहुत सारी इलॉजिकल लगने वाली चीज़ें भी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब
लेकिन फिर याद आता है कि अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के नाम पर लोग वास्तविकता में उससे भी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। गुजराती फिल्मों के एक्टर दिव्यांग ठक्कर ही वो शख्स हैं जिन्होंने ग्राउंड पर हो गई ऐसी दकियानुसी चीजों को इस कहानी का हिस्सा बनाया। दिव्यांग ने जयेश भाई जोरदार को लिखा और डायरेक्ट भी किया है। कहानी को गुजरात के लोकल लोगों में सेट करने की बड़ी वजह हो सकती है कि दिव्यांग उस सेटअप से वाकिफ हैं। फिल्म देखकर लगता है कि वो अपने कैरेक्टर्स और जहां से आते हैं इन दोनों बातों को लेकर अवेयर हैं। बाकी सोशल मैसेजिंग वाली फिल्में लगभग एक ही खाके पर चलती हैं। ह्यूमर होगा, फिर इमोशनल मोमेंट्स होंगे और कहानी अपने कंक्लूजन पर पहुंच जाएगी। लंबे समय से ऐसी फिल्में एक प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, अपना क्लाइमेक्स जल्दी जल्दी रैप अप करने की प्रॉब्लम से। यही बात जयेश भाई जोरदार में भी खटकती है कि 2 घंटे की लेंथ को बढ़ाकर क्लाइमेक्स को प्रॉपर स्पेस दी जा सकती थी, राइटिंग को और दुरुस्त किया जा सकता था। बाकी आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी विजय। शुक्रिया।